चुनाव आयोग की ओर से 17वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सामाजिक संगठनों ने भी युवाओं को मतदान के लिए जागरूक करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत भिवानी के युवा शक्ति संगठन द्वारा एक दिवसीय युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और युवाओं को मतदान में अधिक से अधिक भागीदारी करने के बारे में बताया गया। 17वीं लोकसभा के लिए 90 करोड़ मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार मिलेगा, जिनमें से 8 करोड़ 40 लाख के लगभग नए मतदाता हैं। अभी आप सबको ज्ञात होगा, कल भारत सरकार के चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की, तो उसमें हरियाणा प्रदेश से केवल 18 लाख नए वोटर जुड़े जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस चीज़ से आप एक अनुमान लगाइए कि ये देश युवाओं का देश है। आज हर चीज़ युवाओं के ऊपर निर्भर है, सारी योजनाएं सब कुछ युवाओं को ध्यान में रख के ही बनाई जाती हैं। हाल में तीन तरह की प्रणाली होती है हमारी भारत सरकार में, लोकसभा की, विधानसभा की और पंचायती राज की। तो तीनों के चुनाव अमूमन तीन डेट होगी। 5 साल में अगर हम 3 दिन भी अपने लोकतंत्र के लिए नहीं निकाल पाए तो वो बड़ी हमारी ब्लंडर मिस्टेक होगी। इसलिए ये पर्व है, इसको पर्व की तरह मनाना चाहिए ताकि बाद में युवा ये नहीं बोल सके कि सरकार ये नहीं कर रही। जैसे ही आप सरकार चुनोगे वैसा ही काम करेंगे। तो ये आपके पास एक अधिकार मिलता है, आप सही और पारदर्शी सरकार चुने। जो युवाओं की मुख्य समस्याओं का आज हम युवाओं से ही पूछेंगे कि आप जिस समाज में जी रहे हैं, समाज ने आपको बहुत कुछ दिया, भारत माता ने सब कुछ दिया, तो युवाओं की भी कुछ अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। समाज के यहाँ प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी बैठे हैं, व्यापारी भी बैठे हैं, उन सब से पूछा जाएगा कि युवाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं। सर आज कुछ संवाद हुआ, बड़ी समस्या आई कि रोजगार के साधन भिवानी में नहीं है। सरकार ने पूर्ण पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियों में बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी दी, लेकिन जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे कहते भी हैं और ये शाश्वत सत्य भी है कि सरकार की नौकरी की भी एक लिमिट है, वो एक हद तक मिल सकती है। जब तक हम युवाओं को स्किल के द्वारा दक्ष नहीं करेंगे वो रोजगार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इस सरकार ने स्किल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, वो 2 साल से सुचारू रूप से चल चुकी है। इनकी सारी समस्याओं की जड़ रोजगार है। तो इनको ये बताया गया कि आईटी और स्किल से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वो सारी योजनाएं उनको बताई, समझाई और उनको बताया कि जितना आप आईटी की तरफ जाओगे, जितना अपने आप को कुशल करोगे, उतनी जल्दी आपको रोजगार प्राप्त होगा। और इसके लिए हम लोगों ने जितना जन जागरण कर सकते थे वो किया है। हम लोगों को कहा है कि अभी तक जितने भी बार हम लोगों ने मतदान किया है, बहुत सारे लोग, आज एक नया आंकड़ा आया है कि 21वीं सदी के भी लगभग बहुत सारे लोग पहली बार मतदान करेंगे, तो उन सभी लोगों को मेरा एक निवेदन है कि जिस प्रकार से हम नोटा के बारे में सोचते हैं, उस परिप्रेक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो नोटा अभी हमारे देश में बिल्कुल भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं नोटा को वोट देने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि घर पे बैठना और नोटा को वोट देना वो बिल्कुल बराबर सा महसूस अभी की परिस्थितियों में लगता है। तो आने वाले समय में जब तक नोटा का कोई अच्छा सा प्रारूप बनकर नहीं आता, तब तक हम सब लोगों को मताधिकार किसी न किसी व्यक्ति जो अच्छा हो सकता है, समाज को स्वस्थ समाज की रचना कर सकता है और उस समाज में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, वंशवाद, आतंकवादी जो गतिविधियाँ जिस प्रकार की कॉलेज कैंपसों में होती है, जिस प्रकार से देश को तोड़ने की जो बातें कैंपसों में होती है, इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छा काम करेगा, समाज के अंदर एक अपना परिप्रेक्ष्य रखेगा, यूथ को साथ लेकर चलेगा और जिस प्रकार से रोजगार के साधनों के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो बात करेगा, निश्चित तौर पर उसको वोटिंग करने के लिए हम सब लोग प्रेरित करेंगे।